अब जब अवेंजर्स इन्फिनिटी वार इतना नजदीक है तो इससे अच्छा क्या टाइम हो सकता है कि एक बार इन्फिनिटी वार में दिखने वाले सारे सुपर हीरोज और इन्फिनिटी स्टोन्स की स्टोरी लाइन और लोकेशन का रिकैप हो जाए। इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें ताकि आपको अवेंजर्स इन्फिनिटी वार की स्टोरी लाइन समझने में इजी हो। तो रिकैप की शुरुआत मैं करता हूँ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर से, जहाँ टोनी स्टार्क चाहता था कि सोकोविया अकॉर्ड्स को फॉलो करते हुए अवेंजर्स गवर्नमेंट के अंदर आ जाएं, लेकिन कैप्टन की सोच थी कि गवर्नमेंट के अंदर वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। लेकिन गड़बड़ तब हो गई जब टोनी को पता चला कि बकी ने ही उसके माता पिता को मारा था, और ये बात कैप्टन को भी पता थी। फिर क्या, दोनों के बीच एक इमोशनल फाइट हुई और यहीं से दोनों अलग हो गए। इसके बाद टोनी पीटर पार्कर का मेंटर बन गया और उसे अवेंजर्स में ज्वाइन करने के लिए तैयार करने लगा। यहाँ तक कि स्पाइडरमैन होमकमिंग के एंडिंग में टोनी ने पीटर को आयरन स्पाइडर सूट देकर अवेंजर्स ज्वाइन करने के लिए इनवाइट किया, लेकिन पीटर ने बोला कि वो इसके लिए अभी तैयार नहीं। इसके बाद टोनी जो काम करने में एक्सपर्ट है वो करने लगा, यानी कि उसने एक नया आर्मर बनाया और यही आर्मर हम इन्फिनिटी वॉर में देखने वाले हैं। दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के इवेंट्स के बाद प्रिजन में बंद स्कारलेट विच, हॉकआई, फाल्कन और एंटमैन को छुड़ाने गया। साथ ही उसने टोनी को एक मोबाइल फोन भी भेजा ताकि टोनी को जब भी जरूरत पड़े वो उसे बुला सके। प्रिजन से निकलने के बाद स्कारलेट विच विजन के साथ यूरोप में सेटल हो गई। हॉकआई ने रिटायरमेंट ले लिया और वो और एंटमैन दोनों ही अपने परिवार के पास वापस चले गए, और हमारे कैप्टन ने बकी को वकांडा में छोड़ दिया ताकि शूरी उसके दिमाग से हाइड्रा प्रोग्राम निकाल सके। देन कैप्टन भी ब्लैक विडो और फाल्कन के साथ अपने एडवेंचर पे निकल गया, जहां उसने सीरिया में कुछ टेररिस्ट को ठिकाने लगाया जो कि न्यूयॉर्क में चिटोरी वेपन को स्मगल करने वाले थे, और इसके बाद वो तीनों निकल गए लेबनान की तरफ। सिविल वॉर में ही इंट्रोड्यूस हुए कैरेक्टर ब्लैक पैंथर की भी स्टोरी यहां से आगे बढ़ी, जहां उसने अपने पिता के मौत के बाद ब्लैक पैंथर का टाइटल लिया और साथ ही वकांडन टेक्नोलॉजी और वाइब्रेनियम को पूरे वर्ल्ड के लिए खोल दिया। साथ ही हमें ये भी पता चला कि बकी के दिमाग से हाइड्रा प्रोग्रामिंग निकाल दी गई है और वो अब व्हाइट वुल्फ के नाम से जाना जाता है। वहीं दूसरी तरफ वार मशीन जो सिविल वॉर में घायल हो गया था अब स्टार्क की टेक्नोलॉजी से दोबारा चलने की कोशिश कर रहा है। अब बात करते हैं उन कैरेक्टर्स की जो कि सिविल वॉर में नहीं थे, यानी कि हल्क और थॉर। तो सोकोविया में बैटल के बाद हल्क क्वीन जेट से सकार पहुंच गया और वहां का सबसे बड़ा ग्लैडिएटर भी बना। और यहीं उसकी मुलाकात हुई थॉर, लोकी और वैल्केरी से, और इन्होंने अपनी टीम बनाई रेवेजर्स ताकि हेला से एसगार्ड को बचाया जा सके। एसगार्ड तो बचा नहीं, लेकिन इन्होंने कुछ एसगार्डियन को जरूर बचा लिया। और वहां से जाते जाते लोकी ने भी ओडिन वॉल्ट से टेजरेक्ट ले ली और ये सारे एक शिप से अर्थ की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन इन्हें बीच में ही रोक दिया थैनोस की शिप ने। अब ये तो हो गए अर्थ और एसगार्ड के सुपर हीरोज, बट इसी तरह ईगो को हराने के बाद हमारे गार्डियंस भी स्पेस में अपने मिलानो शिप से ट्रैवल कर रहे हैं, और नेब्यूला अकेले ही थैनोस से पंगा लेने चली गई है। और वहीं पे मैजिकल थ्रेट से वर्ल्ड को प्रोटेक्ट करने वाले डॉक्टर स्ट्रेंज फिलहाल दुर्मामू को हराने के बाद वोंग के साथ न्यूयॉर्क सैंक्टम में हैं, और वोंग उन्हें इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में बता रहा है। अब सीधे चलते हैं सारे इन्फिनिटी स्टोन्स की तरफ। तो सबसे पहले है रियलिटी स्टोन। थॉर द डार्क वर्ल्ड में एसगार्डियंस को ईथर मिलने के बाद उन्होंने इसे कलेक्टर को दे दिया ताकि वो सेफली इसे रख सके, क्योंकि ओडिन वॉल्ट में पहले से ही टेजरेक्ट में स्पेस स्टोन है और दो इन्फिनिटी स्टोन्स को एक जगह रखना सेफ नहीं होता। देन स्पेस स्टोन का जिक्र हुआ ही है, तो फिलहाल लोकी ने इसे ओडिन वॉल्ट से निकाल लिया है। फिर रोनन को हराकर गार्डियंस ने पावर स्टोन नोवा कॉर्प्स को दे दिया ताकि उनके मिलिट्री के बीच वो सेफ रहे। देन आता है माइंड स्टोन, जो कि लोकी के बाद अल्ट्रॉन, उसके बाद फिलहाल विजन के सर पे है, और हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज के पास है आई ऑफ अगोमोटो जिसमें कि टाइम स्टोन है। एंड फाइनली सोल स्टोन कहाँ है, ये सबसे बड़ा राज है और ये किसी को अभी तक नहीं पता। भैया सोल स्टोन कहाँ है? अब दोबारा मत पूछना। तो गाइज ये थी एक छोटी सी रिकैप जिससे कि आपको इन्फिनिटी वॉर से पहले सारे सुपर हीरोज और इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में एक रिमाइंडर मिल गया। अगर आपका कोई दोस्त आपके साथ इन्फिनिटी वॉर देखने जा रहा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ जरूर शेयर करें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आज की लाइक टारगेट है 9000 लाइक्स, तो यार अपने सुपर फिंगर्स का यूज करो और वीडियो लाइक करो, और ऐसी कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करो। कैप्टन मार्वल के विलन के बारे में जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो देखो, और डेडपूल 2 के ट्रेलर का ब्रेकडाउन देखने के लिए नीचे वाली। मैं जल्दी और वीडियो लेकर आऊंगा। टिल देन बी देसी बी नर्ड।